सरपंच संघ की भूख हड़ताल के बाद हटाए गए सीओ शैलेंद्र आदिवासी गिरिराज शर्मा को मिला प्रभार। शिवपुरी जिले के पौरी जनपद मुख्यालय पर 36 घंटे से चली आ रहे सरपंच संघ की भूख हड़ताल सीओ शैलेंद्र आदिवासी के हटते ही खत्म हो गई है। पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकर राठखेड़ा, सहरिया क्रांति के संयोजक और वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप मुद्गल ने सरपंच संघ के अध्यक्ष को जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई। यह आपको बता दें कि जनपद सीओ शैलेंद्र आदिवासी की कार्यप्रणाली से नाराज सरपंच संघ काफी समय से उन्हें हटाने की मांग जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक अधिकारियों से करता आ रहा था, लेकिन जब सरपंच संघ की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाते हुए रविवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसके बाद सोमवार को जिला कलेक्टर अरविंद कुमार चौधरी ने जनपद सीओ शैलेंद्र आदिवासी को पोहरी से हटाने का आदेश जारी करते हुए पोहरी जनपद सीओ का प्रभार शिवपुरी जनपद सीईओ गिरिराज शर्मा को सौंप दिया है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 36 घंटे से हड़ताल पे बैठा हुआ था, एक ही मांग उनकी जोर शोर से उठी, उसके बाद आज आप पहुंचे हैं और 15 मिनट के भीतर ही आपने इनका निराकरण किया है, कैसे क्या संभव किया और क्या कुछ किया? सबसे पहले तो आपको जानकारी में बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ नाती हुआ था तो 3-4 दिन से उसमें मैं बहुत व्यस्त था। जैसे कल मैं शाम को लौट के आया तो मेरे को पता लग गया था, पता तो फेसबुक और मोबाइल पर लग ही रहा था कि हड़ताल पर सरपंच चले गए। मैंने सोचा पोहरी पहुँच के उस सभी सरपंच संघ से बात करूँगा, और जैसे मैं आया उस सवेरे हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता था भाजपा का, उसके पिता शांत हो गए थे विजय देवपुरा वाले के, तो मैं उस गमी में चला गया था। इस बीच में मेरे पास संजय बेचन भैया का फ़ोन आया, सरपंच संघ अध्यक्ष का फ़ोन आया और सबने मुझसे कहा आप 2 मिनट को यहाँ आए, हमारी बात को सुने। मैं यहाँ आया, मैंने इनकी बात को सुना और बाकी उनकी जायज मांग थी, मैंने तत्काल जिले के मुखिया कलेक्टर महोदय को बात की और मैं धन्यवाद देता हूँ उस कलेक्टर को, उन्होंने बगैर सोचे 1 मिनट में मेरी बात से सहमत हुए और 1 घंटे के भीतर भीतर पोहरी का सीओ चेंज हो जाएगा, दूसरा सीओ पोहरी आ जाएगा। और उसके लिए हम सबकी बात को जो मंच पर जितने लोग आए हैं, सरपंच संघ सहमत हुआ हमारी बातों से, इसलिए मैं सरपंच संघ को बार बार बधाई देता हूँ। इसी तरह से ये हम सब लोगों का सहयोग करते रहे, ये मैं कहना चाहूँगा।